बीते देर रात अज्ञात अपराधियों ने बिंदुपुर थाना क्षेत्र के बिंदुपुर बाजार में एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मार दी। यह घटना उस समय घटी जब व्यवसायी अपने स्टाफ के साथ बाइक पर सवार होकर दुकान से घर जा रहा था। दो की संख्या में आए अज्ञात अपराधियों ने दो गोली मारी, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि शायद हत्या के नियत से गोली मारा गया था। आनंद फान में व्यवसायी को इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। SDPO राघव दयाल ने बताया कि देर रात छापेमारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे घटना के कारणों की पूछताछ की जा रही है। वहीं घायल व्यवसायी का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। व्यवसायी हैं, उनका अपना फ्रिज वगैरह का दुकान है, बर्तन का दुकान है और छोटा मोटा उनका दो तीन जगह दुकान है, एक सोना का भी दुकान है। तो दुकान बंद करके ये जा रहे थे अपने स्टाफ के साथ मोटरसाइकिल से। एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आया है, इन पर गोली चलाया है। मारने के नियत से लगता है इनको आए हुए था। इनको हाथ में और पेट में गोली लगी है, जख्मी है और अभी तो इनको इलाज के लिए इनको यहाँ गणपति हॉस्पिटल हाजीपुर में लाया गया है। इलाज चल रहा है, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। कारण क्या लग रहा है सर? पश्चिमी कुछ बता नहीं पा रहे हैं अभी। अब तो गोली लगा है तो अभी ठीक ठाक थोड़ा हालत हो जाए ना, उस बात नहीं है। पहले तो धमकी वगैरह मिलने की बात बताई जाए। हाँ, पहले का धमकी की बात बताया। लगभग घटना कितने बजे की है सर? अभी जस्ट आता है ना, 45 मिनट के पहले की बात है। कितनी गोली लगी है सर? देखने से तो चार गोली लगा है, दो बाँह में लगा हुआ है, दो पेट में लगने की बात।